आज मैं आपके साथ आईपीसी 377 और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोलने वाला हूँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के 377 पे क्या राय है ये हम देख लेंगे। सबसे पहले तो मेरी दलित पार्टी से उम्मीदें थी, क्योंकि वही सबसे अच्छा जानते हैं कि हजारों साल बहिष्कृत होना क्या होता है। लेकिन भारिप बहुजन महासंघ या आरपीआई आठवले हो या बीएसपी हो, इनकी 377 पे क्या राय है मैं नहीं जानता। दूसरी अपेक्षा मेरी आपसे थी। मुझे याद है कि अन्ना हजारे मेंटर थे और एक नया माहौल बना था। पुणे में कई लोग गांधी टोपी पहनते थे, उस पर मी अन्ना हजारे लिखा हुआ होता था। अरविंद जी नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। कई एलजीबीटी वॉलंटियर्स आपका कैनवासिंग कर रहे थे। मैंने आपके एक नेता जो पुणे के थे उनको लिखा था कि क्या वो 377 के बदलाव के पक्ष में है। उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ। मैं बहुत खुश था। अगर हम 2014 का आपका इलेक्शन का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें जेंडर जस्टिस है, कास्ट है, 22 सेक्शन वाल्मीकि डिग्निटी है, 23 सेक्युलरिज्म है, 26 मुस्लिम है, 25 आदिवासी है, 26 डिसेबिलिटी, 27 नोमैड्स, 28 एनिमल वेलफेयर भी है। देर इज अ नीड टू रीअफर्म आवर ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनिमल्स एंड डिजाइन पॉलिसीज एंड लॉज दैट प्रोवाइड एनिमल्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो जानवरों का भी उल्लेख इसमें है लेकिन LGBTI कम्युनिटी का नहीं है, क्योंकि हम शायद जानवर भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस जो है उनके मैनिफेस्टो में भी 377 का जिक्र नहीं है। ममता जी की 377 पे क्या राय है मैं नहीं जानता। एनसीपी हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद प्रफुल्ल पटेल जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उन्होंने बयान दिया था कि पार्लियामेंट में डिबेट के बाद वो 377 में अमेंडमेंट लाने के पक्ष में है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब एनसीपी के मजीद मेमन ने कहा कि वो 377 बदलने के खिलाफ है। इससे जेडीयू बेहतर थे। उनके नेता शिवानंद तिवारी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर नाराजगी जताई। AIADMK का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी 377 का उल्लेख नहीं है। पुरच्ची थलाइवी जयललिता जी, इनकी 377 पे क्या राय है मैं नहीं जानता। डीएमके के भी मैनिफेस्टो में 377 का जिक्र नहीं है। सीपीआईएम के बारे में कहे तो सबसे पहले 2003 में वृंदा कराज जी ने एक ओपन लेटर अरुण जेटली जी को लिखा था, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, और उसमें 377 बदलने के लिए मांग की थी। मैं कराची का आभारी हूं कि उन्होंने ये ओपन स्टैंड लिया। मैं सीपीआईएम का भी आभारी हूं क्योंकि उनके 2014 के लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है।
major constitutional and legislative reforms. Amend section 377 of the Indian Penal Code so that it does not criminalize adult consensual relationships irrespective of sexual orientation. Lekin कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में कई सालों से राज कर चुकी है, केरला में भी. कभी इस पार्टी ने 377 को लोकल अमेंडमेंट लाके चेंज करने की कोशिश की? मुझे पता नहीं. और दूसरी बात, मेरे एक कम्युनिस्ट नेता से बात हुई, तब उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की समस्या इतनी बड़ी है कि इसके सामने आपके मुद्दे को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते. इसका मतलब है इन्हें किसानों की खुदकुशी दिखाई देती है, ये लोगों की खुदकुशी नहीं दिखाई देती. और ये रही लेफ्ट की बात, अभी राइट की देखो. ये शिवसेना का एडिटोरियल है 14 दिसंबर 2013 सामना में, टाइटल रोटी कपड़ा मकान आणि समलैंगिकता. देशापुढील सर्व प्रश्न संपल्याने जो तो समलिंगी कायद्यावर आपली मते मांडू लागला आहे. देशातील रोटी कपडा मकान भ्रष्टाचार व्यभिचार हे सर्व प्रश्न मागे पडून समलिंगी संबंध हाच एक महत्वाचा विषय म्हणून समोर आला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशातील भडकत्या महागाईवर कधी चिंता व्यक्त केल्याचे आम्ही वाचले किंवा ऐकले नाही, पण समलैंगिकता हा गुन्हा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देताच बाईसाहेब अस्वस्थ झाल्या. एक लेफ्ट है, एक राईट है, लेकिन दोनों की भाषा एक ही है. अब आते हैं काँग्रेस की तरफ. मैं कांग्रेस का आभारी हूं कि उनके 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 377 बदलने का जिक्र है. पेज नंबर 45, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेक्शन 2. द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल एनैक्ट अ लॉ टू एंश्योर दैट कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स आर नॉट क्रिमिनलाइज्ड. थैंक यू. कई कांग्रेस के जो नेता है, सोनिया जी हो या चिदंबरम जी हो, सिब्बल जी हो या शशि थरूर जी हो, इन्होंने 377 बदलने का इरादा बोला है. लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रही थी, तब कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर एंड नाको ने यह कहा था कि 370 में बदलाव आना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर ने कोर्ट में सबमिशन दिया है कि 377 वैसे ही रहना जरूरी है. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सितंबर 2003 का सबमिशन है. While the government cannot police morality in a civil society, criminal law has to express and reflect public morality and concerns about harm to the society at large. If this is not observed, whatever little respect of law is left would disappear as law would have lost its legitimacy. तो इसका मतलब है कांग्रेस में इस विषय पे एक वाक्यता नहीं थी. क्या वो आज है? आशा रखता हूं. चलो, मैनिफेस्टो में लिखा है तो देर आए दुरुस्त आए. और रही बात बीजेपी की, बीजेपी पर बोलने के लिए पहले आरएसएस पे बोलना जरूरी है. 2016 में आरएसएस के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसावड़े जी ने बताया कि ये व्यक्तिगत मामला है और इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए. इनके ये बयान से कुछ आरएसएस नेता नाराज हुए.
ये राय उनकी व्यक्तिगत राय थी, आरएसएस की पोजीशन नहीं थी। हो साबले जी ने यह भी कहा कि वो एक साइकोलॉजिकल इशू है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए और वो समलिंगी विवाह के खिलाफ है, क्योंकि समलिंगी विवाह को मान्यता देना होमोसेक्सुअलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा और वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के खिलाफ है। बीजेपी में हमारे जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी, इनकी पार्टीज अलग अलग है लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है, ओपनली होमोफोबिक। बीजेपी के कुछ नेता है, अरुण जेटली जी हो, पीयूष गोयल जी हो, जो 377 बदलने के राय में है, मैं इनका आभारी हूं, लेकिन जब लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तब इनको पूछा गया था कि अभी 377 का क्या होगा या आपकी राय क्या है, देन ही आर जस्ट ब्रश्ड इट अवे, नहीं नहीं ये इससे अलग से देखना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 377 पर क्या राय है मैं नहीं जानता। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राजकीय पक्ष इन लेटर एंड इन स्पिरिट ना कल हमारे साथ थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। 377 तो आज ना कल जाएगा, लेकिन और भी तो चैलेंजेस है, पार्टनरशिप एक्ट है, एडॉप्शन राइट्स है, बहुत सारे हैं। क्या वो हमें साथ देंगे? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक पॉलिटिकल फोर्स बने। मैं ये जानता हूं कि हमारा किसी शहर में इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि हम चुनाव लड़के वहां जीत सके, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इलेक्शन एक वोटों से जीती या हारी जाती है। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें किससे वोट करना है, जीत देने के लिए मदद करनी है। ये शर्मनाक बात है कि आज तक LGBTI कम्युनिटी मेंबर्स अपने जात पर, अपने धर्म पर, सेक्युलर एजेंडा पर या इकोनॉमिक पॉलिसीज पर वोट करते आए। LGBTI राइट्स को हमारे समाज ने ही प्राधान्य नहीं दिया है। हमारा एजेंडा आगे कौन लेके जाएगा? आपका जो धार्मिक एजेंडा है, जातीयवादी एजेंडा है, बाकी एजेंडे हो, वो आगे लेके जाने के लिए बाकी के समाज के लोग है, लेकिन हमारा एजेंडा लेके जाने के लिए सिर्फ हम है। तो ये जरूरी है कि 2019 का इलेक्शन हो या उसके आगे के हो, सेंटर के हो या स्टेट लेवल पे हो, हमें LGBTI राइट्स को ही प्रायोरिटी देनी जरूरी है, नहीं तो वो एक बेवारिस लाश की तरह पड़ी रहेगी। हमें देखना पड़ेगा, हर मैनिफेस्टो पढ़ के देखना पड़ेगा कौन 377 या अगर 377 जा चुका है तो बाकी के LGBTI राइट्स है,
उसके बारे में हमें साथ देते हैं और उन्हीं में से हमको किसी को वोट करना है। अगर कोई हमारा साथ नहीं देता तो हमें नोटा दबाना चाहिए। अगले 30-50 साल हम ये करेंगे तो एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाएंगे और वो जरूरी भी है। थैंक यू।